ऐसा कौन सा देश है जहां रहने वाली लड़कियां अपने चेहरे पर रोजाना 30 थप्पड़ जरूर मारती हैं? क्या आपको पता है कि अगर एक लड़की हील पहनती है तो वो एक हाथी के वजन जितना धरती पर फोर्स डालती है? क्या आपको उस अनोखे पत्थर के बारे में पता है जो आज तक जीवित है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर वन। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन अगर कोई लड़की हील्स पहनती है तो वह सीधे सीधे धरती का प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर 50 किलोग्राम वजन वाली लड़की हील पहनती है तो वह 2700 किलोग्राम वजन वाले हाथी जितना फोर्स धरती पर डालती है। दरअसल जिस चीज का सरफेस एरिया कम होता है वह धरती पर उतना ही ज्यादा फोर्स डालता है, लेकिन हाथी के पैर चौड़े होते हैं इसलिए उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। यही वजह है कि हाथी वजनदार शरीर होने के बावजूद भी धरती पर बहुत ही कम फोर्स डालता है। फैक्ट नंबर टू। आज हर कोई जानता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन आज से कुछ साल पहले सिगरेट को बहुत ही अच्छा माना जाता था। जी हाँ, 1950 के दशक में जब कंपनी को सिगरेट की मार्केटिंग करनी थी तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक बताया था। विदेशों में उस समय युवाओं से लेकर अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, डॉक्टर और नर्स भी सिगरेट का सेवन किया करते थे क्योंकि इसे सेहत के लिए अच्छा माना जाता था। इतना ही नहीं, उस दौर में मरीज को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भी उसे सिगरेट पिलाई जाती थी, जो ट्रेंड से ज्यादा लोगों की जरूरत बन चुकी थी। ऐसे में सिगरेट का मार्केट में हिट होना तय था और लोग बहुत ही जल्दी इसके आदी भी हो गए, जिसके बाद इसके फायदे और नुकसान को लेकर बहस तेज हो गई। आखिरकार विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से सामने आया कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक समेत कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इस शोध का खुलासा होने के बाद सिगरेट का मेडिकल इस्तेमाल बंद कर दिया गया, लेकिन आम लोगों को इसे पीने से रोका नहीं जा सकता था। यही वजह है कि सेहत के लिए नुकसानदायक होने के बावजूद भी सिगरेट का बाजार और इसे पीने वालों की संख्या करोड़ों में है, जो आज कूल दिखने का ट्रेंड बन चुका है। फैक्ट नंबर थ्री। प्यार के बाद सगाई करना हर कपल का सपना होता है ताकि वह अपनी शादी को पक्का करने का एक पड़ाव पार कर सके, लेकिन सगाई होने के बाद कई कारणों की वजह से कपल्स का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही टूट जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा कपल भी मौजूद है जिसने सारी परेशानियों का सामना करते हुए दुनिया के सामने सच्चे प्यार की मिसाल पेश की है। ऑक्टावियो और एड्रीना नामक कपल ने आज से 67 साल पहले मेक्सिको में जून 1969 में सगाई की थी, लेकिन सगाई के बाद उनकी शादी में कई तरह की दिक्कतें आने लगी। हालांकि तमाम दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी ये कपल एक दूसरे से अलग नहीं हुआ और अपनी शादी का इंतजार किया, जिसके बाद 67 साल की सगाई के बाद आखिरकार इस कपल की शादी हो गई। आपको बता दें कि जिस समय ऑक्टावियो और एड्रीना की शादी हुई थी उनकी उम्र 82 साल थी, जबकि इस कपल ने 15 साल की उम्र में सगाई कर ली थी। अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक का सफर सिर्फ सगाई के जरिए पूरा करने वाले इस क्यूट कपल के लिए एक लाइक तो बनता है, जो आज भी दुनिया के सामने सच्चे प्यार की मिसाल पेश करते हैं। इतनी लंबी सगाई के चलते इस कपल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर फोर। यूं तो दुनिया भर के पहाड़ों से अलग अलग प्रकार के झरने और नदियां बाहर निकलती हैं, लेकिन इस धरती पर एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जिससे निकलने वाली धाराओं का रंग खून की तरह लाल होता है। इस अद्भुत पहाड़ को टेलर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी एंटार्क्टिका में मौजूद है, और इससे लाल रंग के खूनी पानी की धारा बाहर निकलती है। यही वजह है कि लोग इस ग्लेशियर को ब्लड फॉल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, जिससे निकलने वाले लाल रंग के पानी के पीछे ढेर सारी खनिज तत्व और लोहे की अत्यधिक मात्रा जिम्मेदार होती है। यह खनिज तत्व वाला पानी बहुत ही नमकीन होता है, जो ग्लेशियर से नीचे आते हुए रिएक्शन करता है और लाल रंग की खूनी धारा में तब्दील हो जाता है। फैक्ट नंबर फाइव। यूं तो दुनिया भर में बहुत ही खूबसूरत और शानदार बीचेस यानी समुद्री किनारे मौजूद हैं, जहां लोग घूमने फिरने और मौज मस्ती के मकसद से जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसे बीचेस का देश कहना गलत नहीं होगा? दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके पास अकेले 10,685 बीचेस मौजूद हैं। यह संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया भर के सारे बीचेस को जोड़ दिया जाए तो भी उनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया के बीचेस से कम ही होगी। यही वजह है कि इस देश के नागरिक रोजाना अलग अलग बीच में घूमने के लिए जा सकते हैं और ऐसा करने में उनकी जिंदगी के 29 साल खर्च हो जाएंगे। फैक्ट नंबर सिक्स। अगर आपको बहुत बड़ी उबासी आती है तो इसका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। जी हाँ, आपकी उबासी जितनी बड़ी होगी आपका दिमाग भी उतना ही विशाल होगा। दरअसल किसी भी इंसान को उबासी तभी आती है जब उसके दिमाग को रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपको बड़ी और लंबी उबासी आती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके दिमाग का साइज काफी बड़ा है, इसलिए उसे रिफ्रेश होने और अच्छी तरह काम करने के लिए बड़ी उबासी लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप भी उबासी के लिए बड़ा सा मुंह खोलते हैं तो खुश हो जाइए, ये आपके बड़े साइज के दिमाग की निशानी है। हालांकि ये बात अलग है कि साइज में बड़ा होने की वजह से आपका दिमाग ज्यादा तेज
नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग जितना छोटा होता है वह उतना ही ज्यादा बुद्धिमान और सक्रिय रहता है। इसलिए विशाल आकार के दिमाग का संबंध इंसान की बुद्धिमानी से नहीं है। फैक्ट नंबर 7, यूं तो दुनिया भर की आर्मी में किसी भी जूनियर सैनिक को अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह देश की रक्षा के लिए जरूरी नियम है। लेकिन जर्मन सेना में अगर जूनियर सैनिक चाहे तो वह अपने सीनियर ऑफिसर द्वारा दिए गए ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उस ऑर्डर को न मानने का सही और सटीक कारण देना होगा, ताकि वह ऑफिसर के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से साबित कर सके। ऐसे में आर्मी के बड़े अधिकारियों को सैनिक की बात ठीक लगती है तो वह उसे सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर न मानने का अधिकार दे देते हैं। लेकिन अगर सैनिक का जवाब और कारण बेकार होता है तो उसे सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर न मानने के जुर्म में सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर 8, अगर हम आपसे कहें कि खुद को थप्पड़ मारने से लड़कियों की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन साउथ कोरिया की लड़कियां न सिर्फ इस नियम को मानती हैं, बल्कि इसे रोजाना फॉलो भी करती हैं। यहां की लड़कियां अपने चेहरे पर रोजाना कम से कम 30 से 40 थप्पड़ मारती हैं, ताकि उनकी स्किन टाइट रह सके। उनका मानना है कि ऐसा करने से चेहरे की कसरत होती है, जिसकी वजह से उसमें झुर्रियां पड़ने की समस्या नहीं होती है। शायद यही वजह है कि कोरियन महिलाओं की स्किन दुनिया में सबसे बेहतरीन और हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि वह त्वचा की खूबसूरती बनाए रखने के लिए रोजाना थप्पड़ खाने जैसे दर्दनाक अनुभव करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेहरे पर थप्पड़ मारने से त्वचा में ब्लड फ्लो बेहतर होने लगता है, जिसकी वजह से खून में मौजूद टॉक्सिक तत्व आसानी से बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि चेहरे पर थप्पड़ मारने से त्वचा की रंगत अच्छी होती है और उसमें जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने यही सुना होगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जान होती है, इसलिए उन्हें लिविंग थिंग्स का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो जिंदा हो और उसे काटने पर अंदर से खून जैसा लाल पदार्थ बाहर निकलता हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पेरू और चिली जैसे देशों में पाया जाने वाला पायूरा चिलेंसिस एक अद्भुत पत्थर है, जिसे जिंदा पत्थर माना जाता है। इस पत्थर की आकृति तो अजीबोगरीब होती ही है। इसके साथ ही जब इसे काटा जाता है तो इसके अंदर से लाल रंग का खूनी तरल पदार्थ बाहर निकलता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस पत्थर को द लिविंग रॉक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज साल 1782 में जुआन इग्नासियो मोलिना द्वारा की गई थी। यह पत्थर आमतौर पर समुद्री तटों के आसपास पाया जाता है, जो पहली नजर में देखने पर किसी भयानक समुद्री जीव की तरह लगता है। द लिविंग रॉक के अंदर प्रोटीन समेत कई तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदरूनी हिस्से को निकालकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरू और चिली में द लिविंग रॉक से तैयार डिशेस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप कुकिंग करने के शौकीन हैं, तो आपने कभी ना कभी प्याज जरूर काटा होगा। ऐसे में प्याज काटते समय आंखों से आंसू और नाक से पानी आना बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटते समय ऐसा क्यों होता है? दरअसल प्याज में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है, जो प्याज काटने पर हवा के संपर्क में आ जाता है। ऐसे में जब वह एंजाइम हवा के साथ मिलकर हमारी आँख और नाक में जाता है तो उनसे पानी बाहर निकलने लगता है। प्याज में आने वाली बदबू के लिए भी यही एंजाइम जिम्मेदार होता है, जो हवा के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है और इंसान के संवेदनशील अंगों को तकलीफ देने का काम करता है। हालांकि प्याज से निकलने वाले एंजाइम से आंखों की सफाई हो जाती है और यह हानिकारक भी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।